ट्रैकिंग करती हैं और पूरी दुनिया घूमती हैं और अचानक ये कोरोना के कारण सब बंद हो गया, तो ये साल कैसे बिताया, क्या करते थी? सर, मैंने कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हालांकि मैं पर्वत अच्छा, नहीं चढ़ मतलब सकती। आपने भी आपदा को अवसर में पलटा। जी सर। बताइए। सर, पर्वत तो नहीं चढ़ सकती हूँ सर अभी जाके, पर मैंने ये समझा कि इस टाइम में मैं दूसरों को अपने समय तक पहुँचने के लिए इंस्पायर कर सकती हूँ। तो मैं बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में वेबिनार्स दे रही हूँ और मेरे मिशन के बारे में भी बता रही हूँ और उसका मैसेज भी स्प्रेड करना चाहती हूँ सर। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा। जी सर। सर, यूजुअली हम रनिंग और साइकिलिंग के लिए जाते थे, बट पहले लॉकडाउन में ये अलाउड नहीं था, तो हम जो 21 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं मुंबई में, हम वहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते थे फिटनेस के लिए। और थोड़ा लॉकडाउन ईज होने के बाद थैंकफुली हम मुंबई शिफ्ट हुए हैं, तो हम सह्याद्री में जाके छोटे मोटे ट्रैक्स करते थे सर वीकेंड्स में। तो मुंबई में तो कभी ठंड क्या होती है पता ही नहीं चलता होगा, यहाँ तो आज बारामूला में काफी ठंड में रहती होगी आप। जी सर। देखिए, कोरोना ने निश्चित तौर पर सभी को प्रभावित किया है, लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने इस महामारी से मुकाबला करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साबुन से 20 सेकंड हाथ धुलना हो, ये बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी। और मैं तब सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियो देखता था जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाय बताते थे। आज ये अवार्ड ऐसे हर बच्चे को भी मिला है, ऐसे परिवार और ऐसा समाज जहां बच्चों से सीखने का कल्चर होता है, वहां बच्चों के व्यक्तित्व का तो बहुत विकास होता ही है, साथ साथ बड़ों में भी ठहराव नहीं आता, सीखने की ललक बनी रहती है, उनका उत्साह बना रहता है और बड़े भी सोचते हैं और स्वाभाविक है, वाह हमारे बच्चे ने कहा है तो हम जरूर करेंगे। हमने ये कोरोना के समय भी देखा है और स्वच्छ भारत मिशन के दौरान भी मैंने बराबर देखा है, बच्चे जब किसी कोच से जुड़ जाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। कामयाब को, आपके माता पिता को, आपके ट्रेनर्स को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं। और आप कश्मीर का मजा भी लीजिए और नए साहस के साथ आगे भी बढ़िए, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए, नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचिए, नई नई चोटियों को पार कीजिए। प्यारे बच्चों, हमारे साथ झारखंड की एक बेटी आज है, सविता कुमारी। उन्हें खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार मिला है। सविता जी, आप कैसे मन बनाया कि आप आर्चरी या निशानेबाजी, आपको उसमें आगे बढ़ना है, ये विचार कहां से आया? और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहा ही होगा, तो मैं जरूर आपसे सुनना चाहता हूं ताकि देश के बच्चे झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है वो देश के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, बताइए। सर, मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ाई करती थी, वहीं पे हमको प्रेरणा मिली आर्चरी सीखने का। प्यारे हाँ, आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है, पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष्य है, कहाँ तक खेलना है? सर, हमको इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना है, और नेशनल एंथम जब देश के लिए बजता है तो हमको अच्छा लगता है। वाह, आपके साथ कौन कौन है? सर, मम्मी आई हुई है और इधर पापा आए हुए हैं। क्या ये कभी खेलते थे क्या? पिताजी ने कभी खेलकूद में हिस्सा लिया था? सर नहीं। अच्छा, सबसे पहले शुरू आपने किया? यस सर। हाँ, तो अभी तुम्हें बाहर जाना होता है तो मम्मी पापा को चिंता नहीं होती है ना?
सर अभी तो सर है ना साथ में, तो सर के साथ जाते हैं। अच्छा, आप ओलंपिक तक जाएं, गोल्ड लेकर आएं, ये आपके सपने वाकई हिंदुस्तान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेरणा देते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में झारखंड का जो टैलेंट है उस पर पूरे देश को गर्व है, और मैंने तो देखा है कि झारखंड की बेटियां बड़ा कमाल कर देती है जी, कैसे कैसे खेलकूद में अपना नाम बना रही है। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहरों में आप जैसे टैलेंट जब बाहर निकलता है तो दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है। सविता, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू सर। अच्छा वैसे साथियों, इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों में जो विविधता है वो बहुत अच्छी बात है। आर्चरी से अब हम आर्ट की दुनिया में चलेंगे। मणिपुर की बेटी हमारी कुमारी नविश किशम, वो बेहतर पेंटिंग्स बनाने के लिए उसको आज पुरस्कार मिला है। बताइए बेटा मनीष, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, रंगों में तो वैसे ही बहुत ऊर्जा होती है, और वैसे तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बड़ा कलरफुल है, उन रंगों को सजा दिया जाए तो ये जीवन भर देने जैसा हो जाता है। मुझे बताया गया है कि आप ज्यादातर एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर, ग्रीनरी पर पेंटिंग बनाती है, और यही विषय आपको इतना क्यों आकर्षित करता है? First of all, good afternoon, sir. It's truly an honor to have the opportunity to interact with you. And my name is Venice Kisham, and I make paintings based on the environment because nowadays our environment is getting dirtier day by day. So there's a lot of pollution, even in Manipur also, a lot of pollution is there. So I want to change it by planting more trees and save our environment, our plants and animals, our rare species. I want to save them. So in order to spread these messages to the people, as an artist, I drew this painting based on this theme. अच्छा, आपके परिवार में भी और कोई है जो पेंटिंग करते हैं? पिताजी, माताजी, भाई, चाचा, कोई? No sir, my father is a businessman and my mom is a homemaker. I'm the only artist. ये तुम्हारे पिताजी, ये तुम्हारे माताजी हैं तुम्हारे साथ? Yeah. तो ये तो yes, ये तो तुम्हें डांटते होंगे कि तुम ये क्या पूरा दिन भर पेंटिंग करते रहती हो, कुछ पढ़ती नहीं हो, no. खाना नहीं पकाती हो, काम नहीं करते हो, ऐसे डांटते होंगे? No, sir. No, sir, they supported me a lot. They supported me a lot. Yeah. तो ये यू आर बहुत लकी हो आप तो। अच्छा, आपकी उम्र छोटी सी है लेकिन विचार बहुत बड़े हैं जी। अच्छा, पेंटिंग के अलावा आपकी क्या क्या हॉबी है? Sir, I love to sing. I love singing and I love to do gardening also. देखिए, मैं कई बार मणिपुर आया हूँ और वहाँ की प्रकृति मुझे बहुत आकर्षित करती है। मेरा अनुभव भी बहुत रहा है वहाँ, और प्रकृति को लेकर वहाँ के लोगों में जो एक प्रकार की श्रद्धा है प्रकृति की रक्षा के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर कोई व्यक्ति अपना जान लगा देता है, जो मणिपुर में भी देखा जाता है, और मैं मानता हूँ कि बहुत ऊंचे संस्कार है। अच्छा, आप गाना गाती हो आपने बताया, कुछ सुनाओगी मुझे? Yes sir, I would like I'm not a professional singer but I would love to so this is our folk song called Chinda Saat Pi Ingele. Chinda Saat Pi Ingele Chinda Da Na Kien Ki Ba Ho गलत हो गलत गलत दे मालंग बड़ी सु कई दो दे लई राम लई खो लोई बगी हो किन बनी हो क
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। मैं तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ कि तुमने संगीत में भी जरूर कुछ करना चाहिए। तुम्हारे आवाज में बहुत दम है। मैं कोई शास्त्र का जानकार नहीं हूँ लेकिन अच्छा लगा सुनकर के, बहुत अच्छा लगा। तो तुमने इन सब जगह पे मेहनत करनी चाहिए, मेरी तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथियों, हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंट के साथ जिंदगी को जी रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब देखिए, एक तरफ बेहतरीन पेंटिंग बनाने वाली बिटिया है, तो कर्नाटका के राकेश कृष्ण भी हैं। राकेश को खेती से जुड़े इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। राकेश, आपका प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतनी कम उम्र में ही इनोवेशन कर रहे हैं और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो रिसर्च इनोवेशन तो स्वाभाविक ही है, लेकिन किसानों के लिए इनोवेशन करना है ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है जी। तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि ये मन कैसे लग गया आपका, ये काम के लिए कैसे मन लग गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, शुभ मध्याह्न आपके लिए। और सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, साइंस और इनोवेशन में तो इंटरेस्ट रहा ही था, लेकिन सर मेरे पापा एक किसान है और मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ। ये मेरे पिताजी हैं और मेरे माताजी हैं। तो सर मैं देखता था कि जो एक फार्मिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो कुछ तो करना था। और मेरे मन था कि मैं जो किसान है, हमारे राष्ट्रीय अन्नदाता है, उनको कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करो। जो मेरे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, इसलिए मैंने उनको कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने एक मशीन बनाया है सर। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उनसे 50% से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे मशीन है सर। अच्छा, तो कभी प्रयोग किया क्या, खेत में प्रयोग किया पिताजी के साथ? हाँ सर, हाँ सर प्रयोग किया है। तो एक बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे मशीन 10-15% से भी ज्यादा टाइम कंज्यूम, लाइक इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन सर। और जो मैंने प्रैक्टिकली जो टेस्ट किया है उससे पता चला है कि मेरे मशीन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा जर्मिनेशन रेट देता है सर। सो क्या है कि आज जो स्किल्ड लेबर चाहिए फार्मिंग के लिए, यानी किसान को जो लेबर चाहिए, उसका चार्ज तो स्काई रॉकेट हुआ है, सो ज्यादा हुआ है, और हमें स्किल लेबरर नहीं मिलते हैं सर। तो इसीलिए मैंने एक मल्टीपर्पज मशीन किया है ताकि एक ही किसान सब काम एक ही साथ कर सकता है और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम खत्म इजीली कर सके। अच्छा, जब आपने बनाया, अखबारों में छपा, लोगों को पता चला, तो ये मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, बिजनेस कंपनियां होती है, स्टार्टअप वाले होते हैं, वो कोई आपके पास पहुंचे क्या कि चलो भाई हम इसको बहुत स्केल पे करते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ सर, दो तीन कंपनी से उन्होंने पूछा मेरे से। और मैं फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन राष्ट्रपति भवन का एक पार्टिसिपेंट था और वहाँ पे उन्होंने आकर पूछा था सर, लेकिन मेरे प्रोटोटाइप जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है सर। अभी भी मैं काम करना चाहता हूँ और भी अच्छा तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो तुम्हारे जो टीचर्स हैं वो उसमें अब नया इंटरेस्ट लेकर के तुम्हें और मदद कर रहे हैं क्या? और कोई साइंटिस्ट के दुनिया के लोग कोई और मदद कर रहे हैं क्या? कोई ऑनलाइन तुम्हें कांटेक्ट करते हैं क्या? हाँ सर, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे हाई स्कूल के और अभी जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, सब लोग मुझे गाइडेंस देते हैं सर और मोटिवेट करते हैं सर। एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी हैज बीन मोटिवेटेड माई हार्ड वर्किंग पेरेंट्स एंड टीचर्स सर। तो आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं के वजह से हूँ, और जो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है उसी तरीके से मैं इस लेवल पे आया हूँ सर। चलिए, मैं तो आपके माताजी पिताजी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसानी को भी मन से किया है और किसानी के साथ बेटे को जोड़ा भी है, बेटे की जो टैलेंट है उसको किसानी से जोड़ा है। तो आप तो डबल डबल अभिनंदन के अधिकारी हैं।
राकेश ये बात सही है कि आधुनिक कृषि ये आज हमारे देश की जरूरत है, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी उम्र में आप ना सिर्फ इसे समझ रहे हैं बल्कि कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। आप ऐसे ही सफल होते रहें, आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बेटे को इस काम के लिए प्रेरित किया है जो देश के किसानों के काम आने वाला है। आइए हम यूपी चलते हैं। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहां बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब, आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूं, और इतना सब कुछ करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। तो आपके माता जी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं? नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का मोहताज नहीं है, तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालों साल याद रखे। देखिए, आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है? कुछ तो जरूर मन में बड़ी बड़ी बातें आती होगी अब तो। जी सर, आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर IAS ऑफिसर बनूं और अपने समाज की सेवा करूं, और मैं यही नहीं रुकना चाहता, मैं आगे जाकर यूनाइटेड नेशन में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं, और मेरा ये सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने देश का झंडा लहराऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। वाह, अच्छा, दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो, नए भारत की पहचान और मजबूत हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। और शादाब, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है, और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रूप में, आपके परिवार में आपके माता पिता ने जो आपके दिमाग में बचपन से भरा हुआ है सपना, मैं आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हीरो कैसे हो, आइडियल्स कैसे हो, ये बचपन में आपको सिखा दिया, और जिसने आपकी जिंदगी को बना दिया, और आपने आपके माता पिता ने जो मंत्र दिया उसको जीना सीख लिया, इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम गुजरात चलते हैं। गुजरात के मंत्र जितेंद्र हरखानी, उससे बात करते हैं। मंत्र जितेंद्र को स्पोर्ट्स की दुनिया में तैराकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मंत्र केम छो? चलो मजामा छे भाई। तारी साथे कौन कौन से? मारी साथे पापा ने मम्मी थे। हाँ, पापा नु नाम छू जितेंद्र भाई। अने मम्मी नु? बिजल बेन। तो ये तो बता फरियाद करे छे कि मंत्र अमारु मानतो नथी, मंत्र घर में झगड़ा करे छे, ये बात साची छे? હું કઈ જગ્યા મંત્ર, એ બતાઈએ દેશભર કે લોકો આજ આપ તુમે દેખ રહે હૈ, તુમને
इतना बड़ा साहस करके देश का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं भी जब बचपन में था मेरे गांव में वड़नगर में, तो हमारे यहाँ बड़ा तालाब था, तो हम सब बच्चे तैरते थे। लेकिन वो तैरना और तुम्हारा तैरना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। काफी ट्रेनिंग होती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, और आप तो तैराकी में रिकॉर्ड बना रहे हैं और प्रेरणा बन गया है। आप तो एथलेट हैं, और एथलेट तो लक्ष्य के लिए बहुत फोकस होते हैं। बताइए, मैं आपके पास से जानना चाहता हूं, आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ बेटा, बताओ, मेरे साथ बात करो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ जी, मैं बड़ा बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ। मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ और आपके जैसा बन सकता हूँ, और आपके जैसे देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा करना चाहता हूँ सर। देखिए, आपके मन में ये इतना सपना है, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके माता पिता जिस समर्पण भाव से तुम्हारे लिए अपना समय खपा रहे हैं, आप ही उनकी जिंदगी के सपने बन गए हो, आप ही उसकी जिंदगी के मंत्र बन गए हो। और इसलिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जिस हिम्मत और मेहनत के साथ कर रहे हो, आपके माता पिता को ही नहीं, आप जैसे बच्चों के जितने माता पिता हैं, उन सबके लिए भी आपके माता पिता प्रेरणा है और आप भी प्रेरणा है। और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। बहुत अच्छे उमंग के साथ आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और मुझे कभी किसी ने बताया था कि आपके शायद जो कोच थे, उसने आपको प्रॉमिस किया है मुझसे मिलने का, किया है ना? तो तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया कोच से, अभी तक मिलवाया नहीं तो? तो आप ही आ जाओ, मैं चाय पी लेता हूँ। तो जब मैं गुजरात आऊंगा, मिलने आओगे? जरूर। तो राजकोट का गांठिया लेके आना पड़ेगा। गांठिया जलेबी समोसा लोगे? जलेबी खाओगे? पापा खाओगे? क्या क्या कह रहा है जितेंद्र सर? ये बोल रहे हैं कि आप आएंगे तो जलेबी गांठिया सब लेके आएंगे। वाह वाह वाह। और चाय भी पिलाएंगे आप बोले तो? आप बोलेंगे तो चाय भी पिलाएंगे। शाबाश शाबाश। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत ही अच्छी बातें बताई आप सबने। प्यारे बच्चों, इस बातचीत से आप सभी को मिले अवार्ड से ये समझ आता है कि कैसे जब एक छोटा सा आइडिया एक राइट एक्शन के साथ जुड़ता है तो कितने बड़े और प्रभावशाली रिजल्ट आते हैं। आप सब खुद इसका कितना बड़ा उदाहरण है। आज आपकी ये जो उपलब्धियां हैं, इसकी शुरुआत भी तो किसी विचार से, एक आइडिया से हुई होगी। अब जैसे पश्चिम बंगाल के सौहार्द डे हैं, वो पौराणिक कथाओं और देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा लेखन करते हैं, जब उनके मन में पहली बार ये विचार आया होगा कि इस दिशा में बढ़ना है, लिखना है, तो वो सिर्फ सोचकर नहीं बैठ गए, उन्होंने सही एक्शन लिया, लिखना शुरू किया, और आज इसका नतीजा हम देख रहे हैं। ऐसे ही असम के तनुज समझदार है, बिहार की ज्योति, दो बच्चों का जीवन बचाने वाले महाराष्ट्र के कामेश्वर जगन्नाथ भागमारे, सिक्किम के आयुष रंजन,
पंजाब की बेटी नाम्या जोशी, हर बच्चे की प्रतिभा, उनका टैलेंट देश का गौरव बढ़ाने वाला है। मेरा तो मन है कि आप सभी से बात करता रहूं, आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है, लेकिन समय के अभाव की वजह से ऐसा संभव नहीं है। साथियों, संस्कृत में एक बढ़िया श्लोक है और जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर हमें सुनाया करते थे, बार बार हमें रटाया करते थे और वो कहते थे, उद्यमेन ही सिद्धंती, कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात कार्य उद्यम से ही, मेहनत से ही सिद्ध होते हैं, केवल कल्पना करते रहने से नहीं होता है। एक आइडिया जब एक्शन से जुड़ जाता है तो उससे कितने और एक्शन भी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपकी सफलता ने कितने और लोगों को प्रेरित किया है। आपके दोस्त, आपके साथी और देश के दूसरे बच्चे, कितने ही बच्चे जो आपको टीवी पर देख रहे होंगे, अखबार में आपके बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे, नए संकल्प लेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। ऐसे ही उनसे और दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। ये साइकिल ऐसे ही बढ़ती जाती है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूंगा, मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ये पुरस्कार आपके जीवन का एक छोटा पड़ाव है। आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है। जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खूब वाहवाही करेंगे, अखबार में आपका नाम भी निकल रहा है, आपके इंटरव्यू भी हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वाहवाही आपके एक्शन की वजह से है, आपके कर्म के कारण है, आपके कमिटमेंट के कारण है। वाहवाही में भटककर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो यही वाहवाही आपके लिए बाधा बन सकती है। अभी तो आगे जीवन में आपको और भी बड़ी सफलताएं हासिल करनी है और एक मैं सुझाव देना चाहूंगा, आप जरूर कुछ न कुछ पढ़ते होंगे, लेकिन आग्रह पूर्वक आपको जिसके भी पसंद आए, हर साल कोई न कोई एक जीवनी जरूर पढ़िए। वो आत्मकथा भी हो सकती है, जीवनी भी हो सकती है, वो किसी वैज्ञानिक की भी हो सकती है, खिलाड़ी की हो सकती है, किसी बड़े किसान की हो सकती है, किसी बड़े फिलोसोफर की, लेखक की, जो भी आपको मन पड़े, तय कीजिए साल में एक बार एक जीवनी बहुत मन से पढ़ूंगा, कम से कम एक जीवनी। आप देखिए जीवन में लगातार नई प्रेरणा मिलती रहेगी। मेरे नौजवान साथियों, मैं चाहूंगा कि आप इन सारी बातों को जरूर महत्व देंगे, लेकिन मैं कुछ तीन बातें और जोड़ना चाहता हूं। पहले, निरंतरता का संकल्प, यानी आपके काम की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए, कभी शिथिल नहीं पड़नी चाहिए। जब भी एक काम पूरा हो तो उसके आगे नया सोचते ही रहना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, देश के लिए संकल्प, जो काम करे वो सिर्फ अपना काम मान करके न करे, मेरा काम, मेरे लिए काम,
ये सोच हमारे दायरे को बहुत सीमित कर देती है। जब आप देश के लिए काम करेंगे तो अपने आप आपका काम कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लोग ऐसा लगेगा कि जैसे आपके काम के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, आपका सोचने का विस्तार ही बदल जाएगा। इस साल हमारा देश आजादी के 75 साल में प्रवेश कर रहा है। आप सभी सोचिएगा, ऐसा क्या करें कि देश और आगे बढ़े। और तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वो है विनम्रता का संकल्प। हर एक सफलता के साथ आपको और ज्यादा विनम्र होने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि आप में विनम्रता होगी तो आपकी सफलता को सैकड़ों हजारों और लोग भी आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। आपकी सफलता खुद अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। तो मैं मानूं कि आप ये तीनों संकल्प याद रखेंगे, एकदम पक्का याद रखेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत फोकस होते हैं तो जरूर भूलेंगे नहीं। और मुझे मालूम है आप न भूलेंगे न ही किसी को भूलने देंगे, आगे और भी बड़े बड़े काम करेंगे। आपके जीवन में आगे के जो सपने हैं, आपके वो सपने पूरे हो, और लगातार ऐसे ही सफलताओं से आप सभी नौजवान, सब बच्चे देश को आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके परिवारजनों को, आपके शिक्षक जगत के साथियों को, सबको इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आप सब बच्चों को अनेक अनेक आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, तीनों संकल्पों के साथ आपने अपना समय और अपना आशीर्वाद हम सबको दिया, उसके लिए मैं सभी बच्चों, उनके परिजनों और विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं सर।